स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने टॉपिक उठाया था लेजिस्लेचर, और मैंने आपको बताया था कि हमारे मुल्क में जो हमारा लेजिस्लेचर है वो है पार्लियामेंट, और हमारा पार्लियामेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाइकैमरल है, यानी इसमें दो हाउसेस है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि हमारा लोकसभा जो है वो है हमारा लोअर हाउस, और राज्यसभा जो है वो है अपर हाउस। और ये भी बताया था लोकसभा इसलिए लोअर हाउस है क्योंकि वो टेम्पररी हाउस है, और जो राज्यसभा है वो इसलिए अपर हाउस है, वो परमानेंट हाउस है। इसकी तफसील मैंने आपको बताई थी पहले ही वीडियो में। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मुल्क में जो लोकसभा है और राज्यसभा, इसकी कंपोजिशन हम बताने की कोशिश करेंगे। जहां तक लोकसभा का सवाल है, जिसको हमने लोअर हाउस के नाम से भी पुकारा था, तो हमारे मुल्क में जो हमारा लोकसभा है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंबर्स की तादाद जो रखी है वो है 545, यानी 545 मेंबर की गुंजाइश रखी गई है हमारे लोकसभा में। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि लोकसभा के लिए जो हम मेंबर्स चुनते हैं वो चुनते हैं हम बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, यानी हमारे स्टेट्स में, हमारी यूनियन टेरिटरीज में बाजाबता तौर पे इलेक्शन होता है, और इलेक्शन के जरिए ही हम अपने लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सीट्स अलॉट की गई है मुख्तलिफ स्टेट्स और मुख्तलिफ यूनियन टेरिटरीज के लिए, वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड पॉपुलेशन, यानी जिस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स की तादाद भी ज्यादा होगी, और जिस स्टेट में पॉपुलेशन कम होगी उस स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव्स भी कम होंगे। तो यहां पे आपको यह याद रखना है कि ये जो हमारे 545 मेंबर हैं, 545 मेंबर में 543 यानी 543 इनको हम बोलते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, यानी ये हमारे लोकसभा के मेंबर बनते हैं 543 बाय मीन्स ऑफ इलेक्शन, और बचे दो, क्योंकि टोटल जो हमारे लोकसभा में मेंबर्स की तादाद है वो है 545, और इसमें से मैंने आपको बताया कि 543 आर इलेक्टेड, और जो हमारे दो है, इन दो को जो हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट है वो करता था नॉमिनेट, यानी इनको हम बोलते थे नॉमिनेटेड मेंबर्स। यानी 1952 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ, तब से लेके ही हम इन दो को नॉमिनेट करते हैं। और आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट जिन दो मेंबर्स को नॉमिनेट करता है एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये सीट जो रखी गई है ये रखी गई है एनआरआईज के लिए, यानी ये हिंदुस्तान के सिटीजन्स के लिए नहीं रखा गया है बल्कि एनआरआईज के लिए। मगर आपको आज ये भी पता होना चाहिए, रिसेंटली एक अमेंडमेंट की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 104th अमेंडमेंट, यानी 104th अमेंडमेंट की गई है जनवरी 2020 में, यानी इसी साल जनवरी 2020 में एक अमेंडमेंट की गई। आपको पता होगा कि उस अमेंडमेंट के तहत जो हमारे एससीज है, एसटीज है, उनके लिए जो अलग से
रिजर्वेशन ऑफ सीट्स रखी गई है हिंदुस्तान में, उसको 10 साल के लिए और बढ़ाया गया, यानी उसकी मियाद खत्म हो रही थी 2020 में, अब इस अमेंडमेंट के तहत 2030 तक इसको बढ़ाया गया 104th अमेंडमेंट के तहत। मगर इसी अमेंडमेंट के तहत ये जो दो सीट्स हम नॉमिनेट करते थे, प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनेट करता था, इसको नल एंड वाइड करार दिया गया, इसको कैंसिल करार दिया गया। यानी आज से, इस साल से हमारे लोकसभा में कोई भी एनआरआई नॉमिनेट नहीं होगा। यानी इस साल 2020 से हमारे लोकसभा में 545 मेंबर नहीं रहेंगे, इस साल हमारे लोकसभा में सिर्फ रहेंगे 543 मेंबर्स। ये कौन से 543 मेंबर्स हैं? ये 543 मेंबर होंगे इलेक्टेड, यानी नॉमिनेटेड जो मेंबर्स है वो अब खत्म किया गया है, वो सिलसिला अब खत्म किया गया है। अब से हमारे लोकसभा में सिर्फ रहेंगे 543 मेंबर्स, यानी हमारे लोकसभा में मेंबर्स की तैदाद थी 543 इलेक्टेड एंड 2 नॉमिनेटेड। यानी 1952 से लेके 2020 तक हम इन दो को नॉमिनेट करते आए हैं, लेकिन 2020 के बाद ये सिलसिला अब खत्म हो गया, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया 104th अमेंडमेंट के तहत अब ये दो सीटें जो है ये कैंसिल की गई है, अब ये नॉमिनेशन खत्म की गई है। ये रही बात लोकसभा की, अब हम राज्यसभा के बारे में बताएंगे आपको। जहां तक राज्यसभा की बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा के लिए जो मैक्सिमम कोटा रखा गया है वो है 250, यानी 250 मेंबर्स तक हम राज्यसभा के लिए मेंबर्स को भेज सकते हैं, और वो भी दो कैटेगरीज में। यानी इन 250 में से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो 238 है ये होंगे इलेक्टेड, और 12 जो है ये होंगे नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी 238 विल बी इलेक्टेड, और ये आपको पता है राज्यसभा के लिए हम इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत मेंबर्स को चुनते हैं, जो हमारे स्टेट के लेजिस्लेचर्स हैं या जो हमारे यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पौंडिचेरी में लेजिस्लेचर है, उनके जो एमएलएज हैं वही राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, और 250 में से हमें 238 को इलेक्ट करना है, और 12 को नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इस वक्त जो प्रेजेंट पोजीशन है हमारे राज्यसभा का, वो है हमारे राज्यसभा में इस वक्त मेंबर्स की तैदाद है 245, गुंजाइश है 250 तक की, लेकिन प्रेजेंट जो पोजीशन है हमारे राज्यसभा की वो है 245 मेंबर्स। सेम टू सेम क्राइटेरिया, 233 इलेक्टेड एंड 12 नॉमिनेटेड, 233 इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोकसभा में जो हम दो मेंबर्स नॉमिनेट करते थे उनके लिए क्राइटेरिया था वो होने चाहिए थे एनआरआईज, इसी तरह से राज्यसभा के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए क्राइटेरिया रखा है। ऐसा नहीं है कि हमारा प्रेसिडेंट अपने रिश्तेदारों को या अपने चाहने वालों को बना सकता है राज्यसभा मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, बल्कि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पे कहा गया है कि हमें उन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करना है, ये हिंदुस्तान के वो शख्स होने चाहिए जिन्होंने अपना नाम कमाया होगा किसी भी शोबे में, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी। यानी किसी ने स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाया है,
किसी ने आर्ट में, किसी ने साइंस में, किसी ने लिटरेचर में, और अलग अलग शोबों से हमें अलग अलग लोगों को चुन के भेजना है राज्यसभा इन द फॉर्म ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर भी हमारा राज्यसभा का मेंबर रह चुका है। किस कैटेगरी के तहत? सपोर्ट्स कैटेगरी के तहत। इसी तरह से एंटरटेनमेंट की दुनिया से बहुत सारे शख्सियतें, बहुत सारे हीरोज ऑलरेडी राज्यसभा मेंबर बन चुके हैं। इसी तरह से किसी ने म्यूजिक में अपना नाम कमाया है, डांस में नाम कमाया है, पेंटिंग में नाम कमाया है, प्रेसिडेंट उनको बना सकता है राज्यसभा मेंबर। और इन मेंबर्स की तादाद कितनी है? 12। यानी आउट ऑफ 245 233 आर इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। उसके बाद अब आपको यह जानना है कि लोकसभा मेंबर बनने के लिए या राज्यसभा मेंबर बनने के लिए क्या है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया से पहले आपको यह पता होना चाहिए लोकसभा में जो ट्यूनियर होता है एक मेंबर का वो है 5 ईयर्स। यानी 5 साल के लिए लोकसभा में एक मेंबर रह सकता है और राज्यसभा में जो ट्यूनियर होता है एक मेंबर का वो है 6 ईयर्स। 5 ईयर्स फॉर लोकसभा एंड 6 ईयर्स फॉर राज्यसभा। और अभी हम बात कर रहे थे कि क्राइटेरिया क्या है लोकसभा और राज्यसभा के लिए, कौन बन सकता है मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सीट्स अलॉट की गई है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यानी हायर द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, हायर विल बी द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ दैट स्टेट। लोअर द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड लोअर विल बी द मेंबर्स ऑफ द स्टेट। सेम विथ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन इस वक्त ज्यादा है, तो वहां पे आप देखोगे कि लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है उत्तर प्रदेश की वो सबसे ज्यादा है, राज्यसभा में भी उनकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। और जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन कम है उनकी रिप्रेजेंटेशन भी कम है बोथ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इज सेम लोकसभा एंड राज्यसभा के लिए, सिर्फ मामूली सी डिफरेंस है क्राइटेरिया में। अगर हम दोनों हाउसेस के लिए क्राइटेरिया देखेंगे, पहला क्राइटेरिया है कि जो भी बनना चाहता है मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा वो होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद वो होना चाहिए मेंटली साउंड या मेंटली फिट। उसके बाद ये भी आपको याद रखना है कि वही बन सकता है लोकसभा या राज्यसभा मेंबर उस वक्त उसके पास कोई और प्रॉफिटेबल इदारा अंडर ना हो या वो किसी प्रॉफिटेबल इदारे में काम न करता हो। सिर्फ कुछ चीजों के लिए छूट दी गई है कि अगर मुल्क का वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेशन के लिए फॉर्म भरेगा तो उसको रिजाइन नहीं करना है वाइस प्रेसिडेंट से। हां अगर वो प्रेसिडेंट बनेगा तब वो कर सकता है रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। मगर अगर मैं बनना चाहता हूं मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा, चूंकि मैं एक टीचर हूं वो भी गवर्नमेंट टीचर, तो लिहाजा मुझे पहले रिजाइन करना है फ्रॉम द जॉब ऑफ गवर्नमेंट टीचर, तब जाके मैं नॉमिनेशन भर सकता हूं फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा और फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा। एक चीज अलग है लोकसभा और राज्यसभा के लिए, वो है एज। लोकसभा के लिए जो एज मुकर्रर की गई है वो है 25 ईयर्स। यानी एक शख्स होना चाहिए 25 साल का तब वो भर सकता है फॉर्म लोकसभा के लिए, एंड राज्यसभा के लिए एज रखी गई है 30 ईयर्स। यानी राज्यसभा के लिए जो एज रखी गई है वो है 30 ईयर्स, 30 साल होना चाहिए वो शख्स जो बनना चाहता हो राज्यसभा का मेंबर। और जहां तक
एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी जगह जिक्र नहीं की गई है क्वालिफिकेशन की, जिसका यह मतलब है एक लिटरेट भी बन सकता है लोकसभा और राज्यसभा मेंबर, और एक इलिटरेट भी बन सकता है लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर। यह था कंपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब हमें जानना है पावर्स ऑफ लोकसभा एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा। इंशाल्लाह मैं पावर्स को बयान करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।